पूर्वे भारत वर्षरे अनेक राजा शक्ति उपासक थिले एवं शक्तिको कृपारु निरंकुश शासन क्षमता विस्तार करबा संगे संगे राज्य रे सुख शांति प्रतिष्ठा करथुले। मांकर सेमिति जने उपासक थिले कांचीर नरपति। देवीको कृपारु तांकर प्राधान्य प्रतिष्ठा होई पारिथिला एवं सर्वविध उन्नति साधित होइथिला। गजपति पुरुषोत्तम देव से समय रे उड़ीसा राजा थिले। से कांची राजांकर अनन्य सुंदरी पद्मावती को विवाह करिबा लागि एक प्रस्ताव पठेथिले, किंतु राजा जगन्नाथंकर रथ आगरे छेरापहरा कार्य करथुबा हेतु कांची राजा जड़े चंडाल हाथ में कन्या को अर्पण करिबे नाही बोली प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करथिले। लज्जित होइथिले पुरुषोत्तम देव। प्रतिशोध परायण कांची विरुद्ध युद्धाभिजान कले राजा पुरुषोत्तम देव। हेले कांची नरसिंह ठार परास्त हो फेरी आसिले। ए लज्जा और अपमान प्रतिशोध नेबापाई दृढ़ संकल्प नेले राजा पुरुषोत्तम देव एवं इष्टदेव महाप्रभु श्री जगन्नाथ को स्मरण कले। एतादृश अवस्था दिने राति महाप्रभु जगन्नाथंकर स्वप्नादेश हेला। प्रत्युषरे से जो गृह उपरे प्रभुंकर दंडामाला देखिबे से ही गृहपति को सेनापति रूपे ग्रहण करी कांची को युद्धाभिजान करंतु। आउ जो गृह उपरे दंडामाला पड़ीथिला से गृहटी थिला केन्दुझर राजा त्रिलोचन भंजंकर ज्येष्ठ पुत्र गोविंद भंजंकर जे पिता सहित मनमालिन्य हेतु पुरीठारे आसी रहुथिले। पुरुषोत्तम देव गोविंद भंज को सेनापति रूपे वरण करी द्वितीय बार कांची अभिमुखे युद्ध यात्रा कले। एथर स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ और बड़ भाई बलभद्र धला घोड़ा और कला घोड़ा चढ़ी पुरुषोत्तम को पाई युद्ध कले। अवशेष उत्कल गजपति विजय हुए एवं पद्मावती को साथी रे धरी गजपति पुरुषोत्तम देव उत्कल को फेरी आसती। अंपटे गोविंद भंज माँ तारिणी परम भक्त थिले एवं माँ को आराधना करी युद्ध को जाइथिबारु युद्ध जय कले बोली गजपति पुरुषोत्तम देव को जणे माँ को उत्कल को नहीं आसवा लगे परामर्श दे। शेषे ताला गोविंद भंज माँ पाखे अधिया पड़े एवं माँ तारिणी स्वइच्छार आसी पुरीठारे प्रतिष्ठित हेले। यार पांच वर्ष पर केन्दुझर राजा त्रिलोचन भंजंकर देहांत हुए राजा पुरुषोत्तम देव गोविंद भंज को महाराजा उपाधि भूषित कर केन्दुझर राजसिंहासन आरोहण करने लगे पठाते। गोविंद भंज माँ तारिणी को केन्दुझर को नहीं माँ को सेठे प्रतिष्ठा करने राजा पुरुषोत्तम अनुमति मागंती। पुरुषोत्तम माँ को एत बड़ पाषाण मूर्ति को स्थानातर करने असम्मति जनांती। मात्र देवी माँ का स्वप्नादेश परे गोविंद प्रस्ताव में राजी हुए। देवी निर्देश में गोविंद भंज केन्दुझर अभिमुखे यात्रा आरंभ करते माँ घोटकारोहण कर नूपुर ऋणुझुण शब्द से गोविंद पश्चाधावन कले। शर्त थिला बाटरे जेबे गोविंद पछकु चाहिदेबे सेठारे माँ प्रस्तर पलटिजि। बहुपथ चलिबा परे तारिणी माता घोड़ा क्लांतवशत किसी समय अटकी गला एवं नूपुर शब्द शुणा नजुबारु गोविंद भंज पछकु बुली चाहिए। से ही स्थान रे देवी माँ घोड़ारु अवतरण करि कहते राजा तमे पछकु चाहिल एणु मु एठारे रहिबी। ताहा ही थिला मांकर इच्छा।